अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत शातिर लोग हैं, पहले चोरी की, फिर ये हॉस्पिटल का ड्रामा किया, और सोचो अब खाने में ही सिंह दाना, वो भी जेल में। कितनी सोच के प्लानिंग की है ये सब। मैं तो विराट से कहने वाली हूँ कि उन लोगों से दूर रहे, कि ऐसा ना हो कि किसी गलत इल्जाम में हमें ही फंसा दे वो। और तुम जयेश को जरा कंट्रोल में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ढील दे दी और वो हाथ से निकल गया। और जाएगा कहाँ? ये घर तो मेरे नाम पे है, रहने के लिए उसे यही आना पड़ेगा। मेरी बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो मेरे साथ। ओ हेलो मैडम, मैं भी तुम्हारी तरह नाटक ही कर रहा था अब तक। मुझे कोई सिंपथी नहीं है तुमसे, अच्छे से जानता हूँ कि तुम हम सबको मैनिपुलेट कर रही हो, सबको पागल बना रही हो, क्योंकि चोरी तो तुमने की है बैंक। अरे आप लोगों को भी पागल बना रही है ये। मैं तो कहता हूँ बेल बेल छोड़ो, सीधा जेल लेके चलो इसे। अगर आपको इतना ही यकीन है कि मैं नाटक कर रही थी तो अपनी जान पे खेल कर मुझे बचाया क्यों? आंधी तूफान में बारिश में मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? जब पुलिस वालों ने भी हाथ खड़ा कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, तो आपने हार क्यों नहीं मानी? इतनी आंधी तूफान बारिश में जान पे खेल के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, कहीं आप भी मेरे नाटक में शामिल तो नहीं थे? बोलो ना, आप ही लेके गए थे ना हॉस्पिटल? हाँ हाँ, यही लेकर गए थे। हमारे सामने ऐसे अपने बाहों में उठाकर लेकर भागे थे मिस्टर आहूजा। और हम परमिशन नहीं दे रहे थे तो इन्होंने ये तक कहा था कि केस वापस ले लेंगे। वही तो, ऐसे छटपटा रहे थे जैसे कि इनकी नहीं आपकी जान को। छटपटा नहीं रहा था मैं इसके लिए, इसकी जान बचाने के लिए। वो तो मुझे लग रहा था कि अगर ये ठीक नहीं हुई तो मेरे 10 करोड़ रुपए वापस कौन देगा? हाँ, वो तो चुराया ना आपकी बेटी ने। और वैसे भी अभी तक पब्लिकली सॉरी नहीं बोला इसने मुझे। अगर सॉरी नहीं बोलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? लोग हंसेंगे विराट सिंह आहूजा पे। अच्छा, क्या छटपटा रहे थे तुम? छटपटा रहे थे। हाँ मैम, तब भी ये अपने बारे में ही सोच रहे थे, किसी और की फिक्र नहीं। कैसे होगी, इनका दिल इतना बड़ा नहीं। मेरे दिल की बात तो करो ही मत, तुम चोरों के लिए नहीं धड़कता हूँ, ना ही उनके लिए कोई सिंपैथी है। चोर नहीं हूँ। अच्छा, कितनी बार बता चुकी हूँ आपको, चोर तो हो तो। ये जो बैंक का CCTV है ना, उसमें तुम्हारी फुटेज पूरी आई हुई है। ये देखो, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ तुम्हें। इसमें मेरी शक्ल कहाँ दिख रही? स्मार्ट चोर हो ना, अक्कल तो है तुम में। I have to give you that. तुम्हें पता था बैंक में CCTV कैमरा है, इससे तुमने स्मार्टली अपनी शक्ल कैमरा से छुपा के रखी। पर तुम एक बात भूल गई कि इतनी बड़ी पेमेंट के लिए ना ID कार्ड मांगता है बैंक। जो तुमने दिखाया था वहां पे उसकी भी कॉपी है। मेरी आईडी का किसी ने कॉपी बनवाया? ओ, तो तुम इतनी लापरवाह हो कि अपनी आईडी कहीं भी रख के भूल जाती हो, कोई भी उठा के टिके। लापरवाह नहीं हूँ, जिम्मेदार हूँ। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने आपको अपना आईकार्ड दिया था जब आपके लिए नौकरी शुरू की थी। You are listening to yourself. तुम कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारा आईकार्ड लिया, उसका फोटोकॉपी करके यूज किया और खुद अपने अकाउंट से 10 करोड़ रुपए चुरा लिए, ये प्रूव करने के लिए कि तुम चोर हो? गया, तुम अपनी बकवास बंद करो। अच्छे से जानता हूँ तुमने क्या किया है, अच्छे से जानता हूँ कि तुम ही चोर। और मेरे पास ना और भी काम है करने को, पर मेरी नजरें हमेशा तुम पे रहेंगी भयंकर। याद रखना।
मैं साइन कर देती हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है, चलते हैं, शाम को फिर राउंड लगाने आएंगे। जी। हर्ष, इनसे पीछा छूटा, अब बताओ आगे क्या करना है। हर्ष, कल्याणी ने कहाँ मिलने के लिए कहा है? अब मेरे कॉलेज के पीछे कैफे है ना, उसके बाजू वाली गली में। अब ये रहा एड्रेस, 1 घंटे में मिलने को बोला है। अच्छा, लेकिन अमू तू कैसे जाएगी? वो पुलिस वाले अभी बोल के गए ना कि तुझे घर में रहना होगा। हाँ, और ऊपर से वो बिलौटी इशिका हमेशा यही ताक में लगी होगी कि हम कोई गलती करें और वो उस बात का फायदा उठाए। अमू, उसने तुझे देख लिया ना तो रोला पे जाना है। अरे कोई रोला पोला नहीं होगा आंटी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हाँ, ये रहे कपड़े, कॉलेज में मेरी एक दोस्त है उसने दिए, तेरे साइज का है, ये पहन के जाएगी ना तो किसी के नजर में भी नहीं आएगी। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। व्हाट नॉनसेंस सारा, यार नई गाड़ी मिल गई थी ना हमें, तो फिर क्यों इतनी महंगी गाड़ी ली? तुम्हें पता, तुमने जो पेमेंट किया है ना उससे वो हमने ट्रेस कर सकते हैं। इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? रिलैक्स राजीव, तुम इतना इरिटेट क्यों करते हो मुझे हर बार? और एक दिन ना तुम्हारा ये डर ही हमें लेट डूबेगा। ये डर नहीं रहा हूं मैं। और एक सेकंड, जिस कार की तुम बात कर रहे हो ना वो तुम्हें तुम्हारी निम्मी बेबी की वजह से मिली, जिसके साथ तुम पूरा दिन रहते हो। बाहर जाने के लिए मुझे भी तो कार की जरूरत है ना, कब तक इस ऑटो के धक्के खाऊंगी मैं? अरे तो ऑटो के धक्के ही हुए ना, जेल में जाके चक्की तो नहीं पीछे तुमने? तुम लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम है, तुम लोग को पैसे दिखे नहीं कि तुम दबा के उसके पीछे ऐसे ऐसे करके भागते हो तुम लोग। जबान संभाल के बात करो राजीव, वरना मैं बता रही हूँ मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। हाँ, I'm sorry, मैं बस इतना कह रहा था कि अमृता को प्रॉपर जेल हो जाती तब तक हम रुक सकते थे ना। तुमको इतना रुकने में प्रॉब्लम है क्या? तुमको मैंने पहले भी बोला था ना इसके बारे में, क्यों नहीं रुकी तुम? नहीं रुकना था मुझे, ओके? और जो पेमेंट मैंने की है वो मैंने कैश में की है, कोई हमें ट्रेस नहीं कर पाएगा। अब तो मुझे इरिटेट करना बंद करो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ड्राइव पर जा रही हूँ। ओके बाय। इसको ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था पैसों के मामले में, दफर लड़की, ब्लडी इडियट कहीं की। मीटिंग है आज, बहुत इंपॉर्टेंट, तो स्ट्रेस था, काफी टेंशन में हूँ। पापा आई एम सॉरी मैंने गाली दी, बट ये लोग ब्लडी इडियट से काम ही नहीं करते ना, क्या करूँ मैं? क्या पता क्या करूँ इनका मैं यार। ऐसा क्यों लग रहा है कि राजीव कोई और ही खिचड़ी पका रहा है? ए अमू सुन ना, अरे तू अभी अभी अस्पताल से आई है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये कैसे जाएगी? तो मैं चली जाती हूँ ना उसके साथ। नहीं नहीं, आप लोग नहीं, मैं जाता हूँ। जैसे आप लोगों को मेरे साथ देखकर कोई पहचानेगा ही नहीं कि मैं हूँ। हाँ बात तो सही है, अमू को अकेले जाना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।